सो मैं इस वक्त किसके पास जाऊं? अब मैं आई मेकअप के ऊपर बात कर सकती हूँ, किससे बात कर सकती हूँ? कौन इस वक्त आई मेकअप कर रहे हैं? तुम कर रही हो? यस, कौन है? अच्छा, अब अगर मैं इस वक्त दोबारा यहाँ आ रही हूँ, बेस ये कर चुकी है बीनिश, और मैं एक दफा फिर, मैंने सब कर लिया, परवीन सब कर लिया, yes. परवीन का एक दफा दोबारा चेहरा दिखाना चाहूँ जिसने अभी ज्वाइन किया है, जरा तो वो तस्वीर ही दिखा दे परवीन की, या वीडियो दिखानी है तो वो दिखा दे एकदम दिखा कर. ये देखिए, ये परवीन जो है एक्स वाई जेड सैलून से जब तैयार हुई थी, सो परवीन का ये हाल था, ठीक है? ये देख लीजिए. अब परवीन को दोबारा वापस यहाँ लाएं, जब ये बीनिश के पास आई, आ जाएं, दिखाएं ज़रा परवीन को. हाँ, ये क्लोज आ रहा है. ओ माय गॉड, ये सैलून को जाके ना आप गला घोट दें, वहाँ पर जाके सू कर दें, सू जी. अब आप देखिए परवीन का चेहरा इतना क्यूट है, इतने प्यारे इनके नकूश हैं. जब ये सही हाथों में गई हैं तो इनकी बेस भी देख लें. ऐसा भी नहीं हुआ कि बीनिश ने इनको कोई डल कर दिया हो. सब मेकअप किया है, आई मेकअप आप देखें, आईब्रोज देखें. बीनिश, तुमने मुझे बेसिस दिखा दी थी कि तुमने शनेल का इल्यूमिनेटर लगाया. शनेल का इल्यूमिनेटर लगाया और फिर उसके बाद नार्स रेडिएंट. नार्स में भी दो तीन किस्म के आते हैं फाउंडेशन. मैं यही समझा रही थी कि जब आपको थोड़ी सी एज है तो आप जो फाउंडेशन पिकअप करें, प्लीज मेक श्योर करें कि वो ड्यूई हो और उसका मॉइस्चर का लेवल थोड़ा, मतलब थोड़ा ग्लोई इफेक्ट आए ना, ग्लो करने और उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल थोड़ा सा हाई हो. अच्छा, अब तुम आई मेकअप का मुझे बताओ, तुमने आंखों के इनको कोई लाइनर नहीं लगाया? कुछ भी नहीं लगा. तुमने इनको लैशेस लगाई हैं? लैशेस, आंख बंद करें. बेसिकली मैंने क्या किया, टेढ़ा करोगी ना तो कैमरा नहीं फॉलो कर सकता, तो मैं यूं करना पड़ेगा. ओके, सो हमने क्या किया है कि हल्का सा आप यहाँ पे ब्राउन देख रही होंगी, ठीक है, उससे हमने इनकी आईज को थोड़ी सी लिफ्टिंग दी है, ठीक है, लाइक अ कॉन्टोर कलर सॉफ्ट रखा है तुमने. हाँ, सॉफ्ट एंड हल्का सा डल पीच. तो मुझे वो शेड्स दिखाओ प्लीज. बिल्कुल, मैं दिखा देती हूँ. वो शेड्स दिखाओ ताकि हमें पता चले. ये नेकेड का पैलेट है, हाँ, नेकेड 3. इसके ये दो शेड शिमरी मिक्स करके, अब शिमरी का शौक है अगर, हाँ, सो ये तुम ये वाला शिमरी तुमने इनके बीच दो मिक्स किए, हाँ, और ये जो है वो आईलेट पे लगाया है, और बाकी जो दूसरा वाला शेड है वो जो तुमने इनकी क्रीज बनाई है, हाँ, वो मैट से बनाई है, वो मैट से बनाई है इसको, लेकिन थोड़ा सा झाड़ के. अच्छा, झाड़ ज्यादा नहीं, ज्यादा, ठीक है, ठीक है. और आईब्रो तुमने किससे बनाई? वो टेक्निक बहुत अच्छी थी जो नादिया ने ब्रेक पे जाने से पहले दिखाई, आईब्रो की, स्प्रे करके उस आईब्रो को ऊपर लिफ्ट कर दिया है. एंड देन तुमने आईब्रो किससे बनाई है बताओ, ये क्या चीज़ है? ये एनास्टा इंग्लॉट का आईब्रो पोमेड जो होता है, जेल बेस्ड. अच्छा, ये जेल बेस्ड है, तुमने इससे इनकी आईब्रो बनाई. और बहुत देखे गाढ़ी आईब्रो नहीं है, आप देखें इस एज में आईब्रो इतने डार्क बना देते हैं एक्स वाई जेड सैलून वाले. हाँ. क्या आप देखिए क्या लग रही होती है. अब वही आईब्रो इन्होंने बनाई है, और अब तुम लिप्स को भी थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा मैं एनहांस कर रही हूँ बिकॉज दे आर टू थिन. हाँ, हाँ. तो उसको थोड़ा सा ओवरसाइज किया जा रहा है, लेकिन बहुत स्लाइटली. ओवरसाइज का मतलब ये नहीं है, हाँ, कि आप बहुत ज्यादा ऊपर लाइनिंग करें. हाँ. हल्की सी जो आपकी नेचुरल लाइन है आप उससे एक पॉइंट आप बढ़ा लें, ठीक है.